हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम ए फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए कैरिंग वुमेन। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे मैपलवुड्स फेज 2 बाय साई प्रोविजो एंड गैलेक्सी ग्रुप। इट्स अ जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट एट आयरोली नवी मुंबई। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये एलिवेशन है बिल्डिंग का और ये प्रोजेक्ट 5 एकड़ लैंड पार्सल में बन रहा है जिसमें टोटल 6 टावर्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ टावर ए, दिस इज़ टावर बी, टावर सी, डी, ई और ये एफ है। तो पहले डेवलपर ने फेज़ 1 में डी और एफ टावर लॉन्च किया था जिसमें 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट्स थे और इस फेज़ 1 का रिस्पांस काफ़ी बढ़िया आया था। विद इन 15 डेज बोथ द टावर्स वर सोल्ड आउट और अभी डेवलपर 2 टावर और लॉन्च कर रहे हैं जो कि टावर सी और टावर ई रहेगा। तो टावर सी ग्राउंड प्लस 38 स्टोरी का है और टावर ई इससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये हैबिटेबल थोड़ा सा कम रहेगा। प्लस टावर सी में हर एक फ्लोर के ऊपर 6 फ्लैट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स और टावर ई में भी हर एक फ्लोर के ऊपर 6 फ्लैट होगा विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 BHK फ्लैट्स। तो इस टाइम डेवलपर सिर्फ 2 और 3 BHK लॉन्च कर रहे हैं। आप चाहे तो जोड़ी फ्लैट बनाकर बड़ा फ्लैट भी आप ले सकते हो। प्लस यहां पर आप देखेंगे ग्राउंड प्लस 5 लेवल का पोडियम पार्किंग दिया गया है और जो 6 लेवल है वो प्योरली एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर 1.5 एकड़ जो है वो प्योरली एमिनिटीज़ के लिए होगा और इस प्रोजेक्ट में मोर देन 36 प्लस एमिनिटीज़ दिया गया है। तो बिल्डिंग का लुक दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी शार्प लुक है। 6 टावर है, 6 टावर एक दूसरे से सेपरेटेड है ताकि आपको प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन मिले और काफ़ी हाई राइज टावर है और देखने में भी कॉम्प्लेक्स काफ़ी खूबसूरत लगता है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है एट आयरोली नियर दिगी रेलवे स्टेशन। प्लस यहाँ पे नीचे के तरफ आप देखेंगे एक तरफ से ड्राइववे इन है और दूसरे तरफ से ड्राइववे आउट है। तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ ए टावर, बी, सी, डी, ई और एफ। तो पहले डी और एफ फेज़ 1 में लॉन्च किया था और अभी डेवलपर ने सी और ई लॉन्च किया है फेज़ 2 में जिसमें दोनों बिल्डिंग में 2 और 3 BHK के फ्लैट्स है। और सेंटर में आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का जो स्पेस है यह प्योरली एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है और ये पोडियम 6 है। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो मैपलवुड्स फेज 2 यहाँ पर लोकेटेड है। इसका पासवर्ड ग्रोथ सेक्टर रखा गया है और यहाँ पर आप देखेंगे ये दिगी स्टेशन है, इसके अदर साइड में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो आप अगर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आते हो तो आयरोली फ्लाईओवर जंप करके आपको लेफ्ट लेना है। आप इस रोड से भी आ सकते हो और डिगी स्टेशन के अदर साइड में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। आप चाहे तो रेलवे रूट से भी थाने स्टेशन क्रॉस करते हुए डिगी स्टेशन तक आप आ सकते हो। और इस तरफ आप देखेंगे दिस इज़ वाशी ब्रिज। अगर आप वाशी ब्रिज क्रॉस करते हो तो आपको लेफ्ट साइड आना है। तो प्रोजेक्ट दोस्तों काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है। थाने इस प्रोजेक्ट से 10 मिनट के डिस्टेंस पर है, वाशी 15 मिनट के डिस्टेंस पर है, अंधेरी 30 मिनट के डिस्टेंस पर है और बैंड्रा बीकेसी 40 मिनट के डिस्टेंस पर है। इसके लेफ्ट साइड में दिगी स्टेशन है जो कि 1 मिनट के डिस्टेंस पर है। थाने बदलापुर रोड अगेन 1 मिनट के डिस्टेंस पर है और आयरोली रेलवे स्टेशन 7 मिनट के डिस्टेंस पर है और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। इसके अलावा जन सेवा हॉस्पिटल 6 मिनट के डिस्टेंस पर है और लाइफ केयर हॉस्पिटल अगेन 6 मिनट के डिस्टेंस पर है। ऑन द अदर साइड न्यू मेदांता हॉस्पिटल 11 मिनट और कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल 20 मिनट। बिजनेस हब्स में केप जेमिनी नॉलेज पार्क 3 मिनट के डिस्टेंस पर है और माइंड स्पेस 5 मिनट के डिस्टेंस पर है। गीगाप्लेक्स IT पार्क 6 मिनट और एम्पायर टावर अगेन 8 मिनट। और एडुकेशनल हब में DAV पब्लिक स्कूल 12 मिनट, न्यू मॉडर्न प्री स्कूल 5 मिनट, विबगर स्कूल 13 मिनट और सेंट जेवियर्स 15 मिनट। इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्सिक टनल 5 मिनट और आयरोली खटाई फ्रीवे 10 मिनट, खोपर कैरनार विक्रोली लिंक रोड 12 मिनट और माजीवाड़ा मेट्रो 15 मिनट।
तो ये सारे यूएसपी दोस्तों इस प्रोजेक्ट का, प्लस पाम बीच रोड, वाशी, खारगर, सीपीडी बिलापुर इस प्रोजेक्ट के काफ़ी पास में है। और पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप ऐरोली का अगर आप देखेंगे या न्यू मुंबई का अगर आप देखेंगे, तो पिछले 10 साल में यहाँ पर 4 गुना प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हुआ है और आगे आने वाले सालों में भी यहाँ पर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग एरियाज़ में डेवलप्ड हो रहा है। और सबसे पहला तो जैसा आप सभी जानते हैं, न्यू मुंबई एयरपोर्ट अगले साल दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगा और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसी साल दिसंबर में या मैक्सिमम जनवरी अगले 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा। पारसिक टनल अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ऐरोली खटाई फ्रीवे अंडर कंस्ट्रक्शन में है, न्यू मुंबई कोस्टल रोड बहुत ही जल्दी शुरू होगा, तो आप फेरी से भी कोई भी लोकेशन पर आप इजीली आप ट्रैवल कर सकोगे। वाटर टैक्सीज जल्दी शुरू हो रहा है, तो अगेन वाटर टैक्सीज से भी आप मुंबई के कोई भी लोकेशन पर आप इजीली आप ट्रैवल कर पाओगे। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो इससे भी प्रॉपर्टी को एप्रिसिएशन मिलता है। खोपर कैरने विक्रोली लिंक रोड भी बन रहा है, तो अगेन यहाँ से भी प्रॉपर्टी को एप्रिसिएशन मिलता है। मेजर कमर्शियल हब्स नवी मुंबई में आ रहा है और प्रोजेक्ट इज वेल कनेक्टेड बाय रोड, रेल, मेट्रो, वाटर एंड एयर, तो यहाँ पर सभी सुविधा अवेलेबल है। प्रोजेक्ट में आपको हर एमिनिटीज मिलता है, प्लस फ्लेमिंगो सिटी इस प्रोजेक्ट के पास में ही है जो कि 50 एकड़ का ये सेंचुरी है और मोस्टली यहाँ पर आपको फ्लेमिंगो बर्ड्स आपको देखने मिलेंगे और प्लस 167 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे और मैमल्स में यहाँ पर ज़्यादातर गोल्डन जैकल्स है। तो यहाँ पर जो एलिवेशन दोस्तों आप देख रहे हैं, ये 8 आवर का एलिवेशन है जो कि अभी तक डेवलपर ने इसको लॉन्च किया नहीं है, वो शायद फेज 3 या फेज 4 में लॉन्च करेंगे। और जितने भी फ्लैट्स यहाँ पर है सारे वास्तु कंप्लाइंट है, वेल डिज़ाइंड है, कोई वेस्टेज नहीं है फ्लैट के अंदर, मॉडर्न गेटेड कम्युनिटी है और टावर सी और टावर ई आप देखेंगे लो डेंसिटी टावर है। इसके अलावा मॉडर्न गेटेड कम्युनिटी है, 24/7 सिक्योरिटी दिया गया है। जितने भी फ्लैट्स है सारे बड़े साइज़ के फ्लैट्स है, प्लस आपको फ्रेंच कट विंडोज़ मिलता है ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिले। तो एमिनिटीज़ में दोस्तों यहाँ पर आपको स्केटिंग रिंग, रूफटॉप गार्डन, स्क्वाश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जिम, इंडोर गेम, कैफेटेरिया, हैमॉक, स्विमिंग पूल, लार्ज फिटनेस सेंटर, मेडिटेशन एरिया, किड्स प्ले एरिया एंड मेनी मोर। तो यहाँ पर दोस्तों यूनिट प्लान अभी तक आया नहीं है, लेकिन 2 BHK का जो कारपेट होगा वो 600 कारपेट होगा जिसका प्राइस 1.25 CR होगा, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 3 BHK 800 कारपेट है जिसका प्राइस 1.59 CR है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। तो अभी आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है, 2 BHK के लिए 27,000 रुपीज़ है और 3 BHK के लिए 54,000 रुपीज़ है। तो लॉन्च वाले दिन आपको कुछ प्राइस में बेनिफिट दिया जाएगा और प्लस पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा दिसंबर 2027 में। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।